इंदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल तो इंदी भाई, ऑब्वियसली अब हाई वोल्टेज मैच में ऑब्वियसली पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस जो थी वो सामने आ गई, और जब 182 रन्स का टारगेट मिला तो आपको लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है? वैसे आपको तो लग ही रहा होगा कि किसी भी सिचुएशन में हम जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस समय 182 रन्स का था, हमें यकीन था कि यकीन नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान की बैटिंग पे कि अगर टॉप ऑर्डर स्कोर करती है तो अच्छा स्टार्ट देती है तो पाकिस्तान इस ग्राउंड में इस पिच पे इस कंडीशन पे ये वाला स्कोर कर सकता था। और क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जी जिस तरह की रिजवान ने बैटिंग की है और स्पेशली नवाज ने आके बीच में जिस तरह की बैटिंग की है तो इससे टीम को बहुत कॉन्फिडेंस मिला और पाकिस्तान के लिए रन्स चेज करना, पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि जिस तरह 4-5 पहले ओवर ही महसूस होना शुरू हो गया था कि ये पाकिस्तान स्कोर कर देगा। अच्छा इनसे भाई, हम 3 मैचों से देख रहे हैं कि बाबर का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन चलें फिर भी बेहतरीन हम कल नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी द फैक्ट इज के ही इज सॉर्ट ऑफ ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। अगले मैचेस में इनका फॉर्म में होने का प्रेशर होगा इन पर आपको लगता है? बिल्कुल, पाकिस्तान का टॉप प्लेयर है, पाकिस्तान का टॉप प्लेयर नहीं वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है, और जिस टाइम वो स्कोर नहीं करेगा 2 से 3 मैचों में उस पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा, और क्योंकि लोगों की तवक्कात उससे इतनी है क्योंकि उसने इतना परफॉर्म करके दे रखा है, तो अगर स्कोर नहीं करेगा और स्पेशली 2 बड़े मैच बीच में आ गए हैं, 2 इंडिया से जो उनसे मैच हुए उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सका तो वो भी रियलाइज़ करता होगा कि जी मेरे से लोग तवक्को करते हैं, मुझे परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो आके मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है बैड लक हुई है कि वो स्कोर नहीं कर सका, तो आगे वाले जो उनसे मैचेस हैं मुझे उम्मीद है कि वो बड़े अच्छे स्कोर करेगा, सारी रिकवरी अपनी जो पीछे वो कर लेगा वो। चलो इंशाल्लाह, एवरीबॉडी हैज़ अ गुड एंड अ बैड डे और अ फ्यू डेज। इंजी भाई, अब अपने बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन श्रीलंका ने आखिरी मैच जैसे जीता और अफगानिस्तान की फॉर्म को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इंडिया के कितने चांसेस हैं फाइनल में जाने के? देखिए, इंडिया इन कंडीशन की है ना बड़ी टीम है, उसके पास बैटिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इसमें कोई शक नहीं वो श्रीलंका को और अफगानिस्तान को हरा सकती है और आके सेमीफाइनल में आ सकती है। सो उनको ये नहीं करना चाहिए कि आज का मैच हारे हैं, आज भी क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, जिस तरह पहले मैच में फतह इंडिया को मिली थी आज पाकिस्तान को मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी इंडिया की टीम फाइनल में नहीं आ सकती या जीत नहीं सकती, मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छी टीम है। अच्छा, हम ज़रा पॉजिटिव्स की बात करेंगे, एक टीम एक यूनिट हमें बड़ा अच्छा नज़र आता है चंद लम्हात के अलावा, ओवरऑल आपको पता ही है हम बड़े टफ कॉम्पिटिशन्स में मैच निकाल रहे हैं, आने वाले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में यकीनन कोई ना कोई टीम हमारे सामने टिक सकती है, क्या लगता है आपको कि हम हैं इस वक्त इस पोजिशन में कि हम T20 का वर्ल्ड कप लिफ्ट कर सकें? नहीं, इंशाल्लाह इसी तरह सूरत हाल रहे, लड़कों ने कोई शक नहीं कि जी प्रेशर वाली सूरत हाल में पहले मैच में बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी कि वहाँ शॉर्ट स्कोर पे जिस तरह बॉलर्स ने टेम्परामेंट दिखाया था वो काबिले दीद था, आज जिस तरह बैट्समैनों ने प्रेशर में स्कोर किया है ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान इसी तरह की क्रिकेट खेलता रहा तो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इंशाल्लाह।